दोस्तों भारत और इंग्लैंड के पांचवें टेस्ट मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों में हुई लाइव मैच के दौरान भयंकर लड़ाई और अब बीसीसीआई ने इंग्लैंड की टीम पर लगाया इतने करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 साल का प्रतिबंध। आखिर कर गए आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच में पांचवा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड की टीम को पहली इनिंग में भारतीय गेंदबाजों ने 218 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसमें भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए सबसे ज्यादा कुलदीप यादव ने 5 विकेट चटकाए। मगर दोस्तों इस समय इंडिया की टीम 366 रन के स्कोर पर मौजूद है 3 विकेट खोने के बाद, जिसमें रोहित शर्मा 103 रन बनाकर आउट हो गए और वहीं सुमन गिल 110 रन के स्कोर पर यानी आउट हो चुके थे। मगर दोस्तों इस समय सरफराज खान 51 रन के स्कोर पर नाबाद है और देवदत्त पडिक्कल 39 रन के स्कोर पर नाबाद है। मगर दोस्तों आपको बता दें मामला उस वक्त का है जब भारतीय टीम की ओर से बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा और वहीं जैसे ही रोहित शर्मा को बेन स्टॉक्स ने बोल्ड मारा उसके बाद दोस्तों बेन स्टॉक्स घमंड में चकनाचूर हो गए और घमंड में आकर रोहित शर्मा से गाली तक दे दी थी और फिर दोनों खिलाड़ियों में अकड़ा तकड़ी हो गई। वो तो दोस्तों वाला एम्पायर का कि एम्पायर ने दोनों का बीच बचाव कर दिया, नहीं तो आज बहुत ही भयानक झगड़ा हो जाता दोनों खिलाड़ियों के बीच में। मगर दोस्तों अब बीसीसीआई इंग्लैंड की टीम पर बड़ा एक्शन ले सकती है।